ओ कैसी आफत ये मुझ पे पड़ी, मेरी बेगम है मुझसे बड़ी। देकर उसको मटन बिरयानी, खा रहा हूं मैं बासी कड़ी। वाह 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 वाह। अच्छा, ऐसा आदमी अगर पेरिस भी चला जाए ना, वहां भी होटलों में दाल ढूंढ रहा होगा। इसे कहते हैं आपकी कान में खारिश। क्या बोल रहा है ये? फंबल हो गया, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। इसी बात पे अर्ज किया है कि फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, अब तो हर लड़का शबाना लगता है। मेरी जिंदगी जैसे तेरे अल्फाज भी कड़वे हो गया शेर, चल निकल कड़वे। नहीं वही बोलो, चल निकल कड़वे वही बोलो, क्योंकि वही लगता था। हाँ वही बोलो, अपना पुराना काम याद आ गया। इतनी अजीब अजीब बातें करते हैं, मुझे एक दिन कह रहे हैं आजकल तो बोतल भी सील पैक नहीं मिलती और तुम उसकी तलाश में हो। मोबाइल मोबाइल सील पैक, रोजगार की तलाश में भाई, रोजगार की तलाश। तो मुझे उसको क्लियर क्यों नहीं किया, मैंने बात को आगे फैला दी। मोहब्बत तो मजनू ने भी की, क्या मिला? हाँ आप यकीन करो, इस उम्र में इन्होंने गर्लफ्रेंड रखी हुई है। आधी रात को अपनी गर्लफ्रेंड को फोन पे कह रहे हैं, जानू तुम सिर्फ मुझसे ही बात करती हो ना, वो कह रही हाँ बाकी सब तो जल्दी सो जाते हैं ना। मैं आपको एक बात बताऊं, कल मेरी पड़ोसन दाल पका रही थी। मैंने नीचे से 3 दफा सीटी मारी, उसने प्रेशर कुकर उतार लिया। फिर देखे ना उसकी दाल गली ना मेरी गली। और आपने ये सास बहू की बात की ना, आप देखो सास कह रही है बहू से, बेटे जब मैं उम्मीद से थी ना तो मैंने जो कुछ भी खाया, आज मेरे बेटे को हर वो चीज पसंद है। बहू कह रही लेकिन आपको कम से कम चर्स और शराब नहीं पीनी थी। हालांकि बेचती होंगी वो, जिस तरह की इनकी हरकत है ना, मुझे लग रहा है इनको तो जन्नत में हूरे भी भाई बोलेंगी। और ये बिजली की आपने बात की ना यार, ये लोगों के घर इतनी लाइट जा रही है, मैं तो बिजली वालों को बोलता हूँ भाई ये अपनी तारे लपेटें, खोल के ले जाएं। परिंदों के बैठने के लिए अल्लाह पाक कोई और वसीला बना देगा। वाह 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 वाह, बात तो सही की है। क्यों इतनी लाइट जा रही है भाई? अर्ज किया है काश इश्क में भी इंतखाबात होते, काश इश्क में भी इंतखाबात होते, काश इश्क में भी इंतखाबात होते, गजब की धांधली करते तुम्हें पाने के लिए। मैं इनकी आपको घटी हरकत बताता हूँ। इनकी गर्लफ्रेंड इनको कह रही है मैंने कभी आईफोन यूज नहीं किया, दिला दो ना, ये क्या करे तू कभी माँ भी नहीं बनी, बना दूं क्या? अच्छा आइटम किया करो, अच्छा आइटम याद में जागते हैं तन्हा रात को। वो जो महबूब की याद में जागते हैं तन्हा रात को, सिर्फ वही बता सकते हैं कि कौन से मोबाइल की बैटरी ज्यादा चलती है। अंधे निकालते हैं चेहरे से मेरे नुक्स, अंधे निकालते हैं चेहरे से मेरे नुक्स, अंधे निकालते हैं चेहरे से मेरे नुक्स, बहरों को ये शिकवा है कि गलत बोलता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम बरकत उस्मी भाई। वालेकुम अस्सलाम। शुरू में शायरी ऐसा माहौल, बस यार कुछ किस्से हो जाते हैं। अच्छा अहमद भाई आपको पता सर्दियां आने वाली है, सर्दियों की आमद आमद, सर्दियां आने वाली है, अब दिन छोटे और खानदान बड़े हो जाएंगे। वाह वाह वाह, मतलब नहीं नहीं मैं सही कर रहा, जब रातें लंबी हो जाती ना तो बंदा ओवर थिंकिंग कर रहा होता है, ओवर थिंकिंग कर रहा होता है। और मैं कह रहा हूँ कि हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे ठंड कम है, कुछ इलाकों में होता है भाई -41। अरे भाई बंदे आपस में गालियां दे दे वो जम जाती है। हाँ जैसे गाली ना तेरी माँ की, अब आगे की गाली जम गई, बंदा घर जाके फिर उसको पिघला के सुन रहा आगे क्या बोला उसने, फिर वो फोन पे गालियां दे रहा है, यही मैंने। अच्छा एक तो यार मेरी एक बात समझ में नहीं आती, पता नहीं लोग ठंडे मुल्कों में रहते हुए इतनी तरक्की कैसे कर गए, हमसे तो रजाई से ही बाहर नहीं निकला जाता। आपको कोई निकालने वाला नहीं है ना, अकेले निकलते हो ना अकेले। अच्छा ये सर्दियों सर्दियों में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? क्या? बिस्तर से उठकर वॉशरूम तक जाना, नहीं जा पाता है, वापिस आते फिर लग जाता है। हाँ यार ये क्या, मुझे ऐसा लगता है, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों में ना पंखे तेज हो जाते हैं, लोग स्लो हो जाते हैं। लगता पंखा, हल्का पंखा भी तेज लगता है, हालांकि हालांकि पंखा स्लो होना चाहिए, लोगों को तेज होना चाहिए। और सर्दियों पे आप गलती से पंखे पे हाथ रखते हो ना, पंखे के बटन पे पंखा चलता हुआ किसी ने देख लिया तो भाई ऐसे देखना आप दहशतगर्द हो जैसे। और अभी आप देखिएगा गैस गायब हो जाएगी, और अगर आपके यहाँ गैस नहीं आ रही है ना तो आप मुताले पाकिस्तान की किताब से कनेक्शन ले लें, वहाँ गैस के वसी ज़खायर मौजूद है। सही बात की आप देखो यार, एक तो घरों में गैस नहीं आ रही और गैस के बिल इतने आ रहे, लोगों ने घरों में डर के मारे गोभी भिंडी और मूली बनाना बंद कर दिए। यार आप लोग मुझे ना बस का किराया दे दो, मैं वापस चले आता हूं। सारी बातें तो आप ही लोग कर रहे हो यार। एक सेकंड यार ये कवाल आए हैं, और नाम क्या भाई आपका? यार मेरा नाम नुसरत मियां फतेह साबरी ताजी मेरा लगा है।
तो आज ही रह गए थे, इन्हें लकब रख दिया। लोग दूसरों का खून पीते हैं, इन्होंने किसी का कत्था पिया बाहर आ रहा है। ये कवाल का ट्रेडमार्क है, मुंह से पान नहीं बहेगा ना तो कवाल का पता नहीं लगेगा। आने की वजह, और जो आपके हालात हैं तो मुंह से मुझे नजर आ रहा है। क्या हालात है मेरे? मतलब जो कवालों के हालात चल रहे हैं। भाई नया आए मार्केट में? जी 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 जी, आते ही। हां फरमाइश है भाई, लोगों ने डिमांड किया इनको भाई। ये गजल है न गीत है कोई, ये मेरे मुल्क की कहानी है। क्या बात है, क्या बात। मेरे शहर में सिर्फ झगड़े हैं, खुशहाली कुल्ले फानी है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। कभी लोड शेडिंग ने मारा पाक, तुम पाक। कभी लोड शेडिंग ने मारा, लोगों ने गिला कौम से नहीं है, गिला कौम से नहीं है, हमें कौमियत ने मारा। कभी भाई कह रहे हैं आप लोग ठीक है, अल्लाह शुक्र। आने की, आपके आने की वजह, आपको बुलाया तो नहीं था? वजह ये एक बात, एक दफा मुझसे डॉक्टर ने भी पूछी थी, जैसे मैं पैदा हुआ ना, मुझसे अगर आपके आने की वजह तो फिर आप वापस चले गए। अभी तक नहीं बता सके वजह, अभी तक नहीं बता सके। नहीं नहीं, वजह क्या यार, बंदा अपनी मर्जी से थोड़ी आता है, बाप की मर्जी से आता है। वाह 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 हाय, और ये दुनिया तो बाप के कंधों पे बैठकर ही अच्छी लगती थी। वाह 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 हाय हाय हाय, क्या बात है यार। आप किस चीज पे बैठे हैं हम लोग? और आप जो है ना, अय्याशी बाप के पैसों पे ही करेंगे, अपने पैसों पे तो आदमी खर्चे पूरे करता है। कद्दू पूरे नहीं हो रहे, पुरानी बात है, नहीं पूरे हो रहे खर्चे। हो रहे हैं यार, हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं। वाह वाह, बताइए भाई, बहुत आप लोगों ने मुझे इज्जत दी, इसने मुझे बहुत जिल्लत दी। इसकी वजह से क्या जिल्लत दी? कन खजूरे की वजह से मेरे कितने प्रोग्राम कैंसिल हुए पता आपको? क्या, क्यों भाई, क्यों भाई? मेरे अबे इटली, जापान, फ्रांस, युगांडा, कनाडा, कहीं पे भी नहीं हुआ मेरे जो। अच्छा, ऐसा आदमी अगर पेरिस भी चला जाए ना, वहाँ भी होटलों में दाल ढूंढ रहा होगा। भाई आपके लिए अर्ज किया है, कि कच्चा मकान ख्वाहिश बारिश। आए, 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 कच्चा मकान ख्वाहिश बारिश, कच्चा मकान ख्वाहिश बारिश, इसे कहते हैं आपकी कान में खारिश। क्या बोल रहा है? फंबल हो गया, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। इसी बात पर अर्ज किया है कि फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, अब तो हर लड़का शबाना लगता है। जवाब आ रहा है कि कल रात सो रहा था छोटा भाई बेखबर, कल रात सो रहा था छोटा भाई बेखबर, गर्दन को अपनी मोर के तकियों पे रख के सर, इतने में हुआ वहां से अमरीन का गुजर, चौंका छोटा भाई, देखा उठा के सर, कहने लगा अमरीन से, चलिए तू किधर? अमरीन कहती है, तमीज से बात कीजिए, जो मुंह से बह रहा है उसे साफ कीजिए। अमरीन, अबे अमरीन का काम, अमरीन कमरे में थी, ख्वाब में थी, क्या बोल रहा है? तेरी जिंदगी जैसे तेरे अल्फाज भी कड़वे, तेरी जिंदगी जैसी तेरे अल्फाज भी कड़वे, तेरी जिंदगी जैसे तेरे अल्फाज भी कड़वे, हो गया शेर, चल निकल कड़वे, नहीं वही बोलो, चल निकल कड़वे, वही बोलो, क्योंकि वही बोलो। आपको अपना पुराना काम याद आ गया? ये यार ही है भाई, मैंने बे की जगह काफ लगा दिया है। कौन कुल्फी की शक्ल वाला? कुल्फी की शक्ल वाला आप कौन है आदमी? मुझे कुल्फी चूसने का दिल चाह रहा है, देखो अल्लाह ना करे ऐसी कुल्फी चूसूंगा, थूक के फेंक दूंगा। इतनी अजीब अजीब बातें करते हैं, मुझे एक दिन कह रहे हैं आजकल तो बोतल भी सील पैक नहीं मिलती, और तुम उसकी तलाश में हो? मोबाइल, मोबाइल सील पैक, रोजगार की तलाश में भाई, रोजगार की तलाश। तो मुझे उसको क्लियर क्यों नहीं किया, मैंने बात को आगे फैला दी। अच्छा ये आप इतनी यार, आप सीधी सीधी बात करो, आप उनकी बात का जवाब नहीं दो, फड्डा करने नहीं आए हो आप। मैं कहा मुझे ये बताएं, आपके आप बोलो इटली में प्रोग्राम कैंसिल हुआ, जर्मनी में कैंसिल हुआ, तो पाकिस्तान के प्रोग्राम भी कैंसिल हो गए, आपके यहाँ कोई प्रोग्राम किया इस दौरान जब से आप प्रोग्राम से गए? भाई प्रोग्राम मैंने किया एक चोलिस्तान में, था एक मेरा शो चोलिस्तान में, चोलिस्तान में, चोलिस्तान समझते ना, वो तो रेत, चोलिस्तान चोली चोली उतने अलमारी से निकाली, सहरा मतलब रेत, रेत, अच्छा, रेत, रेत, रेत। अच्छा। चोलिस्तान में मेरा शो था, गर्मी शदीद, और रेत ही रेत, रेत ही रेत, ऐसी जगह पसीना आ रहे हैं, अंडरवेयर काट रहा है। अच्छा, और अच्छा। आपको तो पता है कि रेत में कीड़े मकोड़े ये वो निकल आते हैं। अब मैंने राग लगाया है, और राग था पीलू, क्या था पीलू राग, पीलू राग था। जैसे मैंने गाना शुरू किया ना, तो मेरी सलवार में ना गुदगुदी सी हुई,
अच्छा हाँ एकदम उठा, मैंने सलवार यूं खोली है तो मैंने देखा कि एक सांप मुझे ऐसा करके देख रहा है। अच्छा हाँ अच्छा। और मैं सांप को देख रहा हूँ, सांप मुझे ऐसे देख रहा है। एक ही था? हाँ एक ही था। अच्छा। एक ही था लोग देख रहा मुझे। अचानक मैंने डर के अपनी सलवार बंद कर लिया, मैंने देखा लड़की का बाप वहां पे पैसे लुटा रहा था। हाँ, कवाली पे? कवाली पे हाँ। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भैया इधर आओ, मैंने कहा मैं सलवार उतार रहा हूँ, आप सांप पकड़ लोगे। बस इस बात पे झगड़ा शुरू हो गया भाई। तो उसने नहीं पकड़ा सांप पे? नहीं पकड़ा, मार मार के निकाला है मुझे सांप को। अच्छा आपको? अच्छा अच्छा एक ही बात है, एक ही बात है सांप ऐसे कर रहा था। अच्छा ये अजीब आदमी उस दिन कह रहे हैं कि इंसान में हविस होनी चाहिए। मोहब्बत तो मजनू ने भी की, क्या मिला? हाँ आप यकीन करो इस उम्र में इन्होंने गर्लफ्रेंड रखी हुई है। आधी रात को अपनी गर्लफ्रेंड को फोन पे कह रहे हैं जानू तुम सिर्फ मुझसे ही बात करती हो ना, वो कह रही हाँ बाकी सब तो जल्दी सो जाते हैं ना। ये इल्जाम लगा रहा है। इल्जाम नहीं सही बात है यार, ये इल्जाम है, ये इल्जाम है। ये आजकल की जानू ना इसी तरह चूना लगाती है अपने बॉयफ्रेंड को। यकीन कीजिए मैं आप ही की चैट पढ़ रही थी इसीलिए ऑनलाइन नजर आ रही थी, वरना यकीन करें मैं आप ही की हूँ। मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड पानी से डरती है, बताओ पानी से डरती है। एक दिन मेरा दोस्त घर गया तो सिक्योरिटी गार्ड के साथ बाथरूम में बैठी है। इतना डरती है? इतना डरती है सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा उस वक्त पानी आ रहा था? अब ये मुझे लेकिन वो लेकिन सिक्योरिटी गार्ड आ रहा था। हाँ वो भाई मोहब्बत जो है ना एक ड्रामा है। हाँ मोहब्बत एक ड्रामा है, मोहब्बत एक ड्रामा है जिसकी आखिरी किस्त जिस्म है। वाह 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 वाह। हाँ मतलब कपड़े धोए सुखा दिए। आपने ये कपड़े हवा में धोए? नहीं नहीं कपड़े धोए ना, ये बुरुश ऐसे लगता है ना बुरुश यार। मैं आपको एक बात बताऊं, कल मेरी पड़ोसन दाल पका रही थी। मैंने नीचे से 3 दफा सीटी मारी। उसने प्रेशर कुकर उतार लिया। फिर देखे ना उसकी दाल गली ना मेरी गली। क्या हुआ? उसे मोहब्बत में बात हुई है। देखिए एक बात कहना चाहता हूँ, सीरियस वे में बात कहना चाहता हूँ कि सब वक्त वक्त की बात है, सब वक्त वक्त की बात है। कल जो रंग था आज वो दाग है। हाय 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 हाय। कल ये आपने पास्ट में बात की है ना, ये पास्ट को लेके मैं एक बात करूंगा। हाँ। यार 1990 में ना लड़कियां डरती थी। हाँ। यार न जाने हमें कैसी सांस मिलेगी। हाँ। अब 2023 में भी लड़कियां डरती हैं। हाँ। ना जाने हमें कैसी बहू मिलेगी। हुई हुई। तो यानी जो 1990 में डरती थी वही 2023 में डरती है। और आप देखो औरत, औरत और आपने ये सास बहू की बात की ना, अब आप देखो सास कह रही है बहू से बेटे जब मैं उम्मीद से थी ना तो मैंने जो कुछ भी खाया आज मेरे बेटे को हर वो चीज पसंद है। बहू कह रही लेकिन आपको कम से कम चर्स और शराब नहीं पीनी थी। हालांकि बेचती होंगी वो, ये सही कह रहे हैं बेचती होंगी। जो गलत गलत काम करने पे जो जमीर जागता है ना, मुझे लगता है असल डिप्रेशन की वजह यही है। वाह 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 वाह। सास बहू पे एक चीज याद आ गई, क्या आ गई क्या आ गई क्या आ गई क्या आ गई की बात पे मुझे याद आ गई। सुन ये अपना ट्रैक है। जी 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 हाँ किसी और का नहीं है जी। ओ कैसी आफत ये मुझ पे पड़ी, मेरी बेगम है मुझसे बड़ी। देकर उसको मटन बिरयानी, खा रहा हूँ मैं बासी कड़ी। वाह 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 वाह। सालों के लिए कहा है मैंने, सालों के लिए, सालों के लिए। हाँ सालों के लिए। उन सालों का लड़ना भी क्या, जिन सालों में जान ही ना हो, उन नलकों को खोलूं ही क्या, जिन नलकों में पानी ना हो। वाह वाह। वो आज तो सांस भी सर पे चढ़ी, दे रही है अब्बा को तड़ी। भाई वाह वाह वाह। मैं एक बात कहता हूँ कि औरत जो है ना, औरत जो है ना, औरत आधी रोटी पे गुजारा कर लेगी, लेकिन मर्द उसे पूरा चाहिए। मतलब मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत करने वाला, यानी कि मैं पूरा मर्द हूँ मोहब्बत करने वाला। ये तो आपका अपना फैसला है ना, क्या आप मर्द हैं? ये कि भाई सब बात कर रहे थे अपने यार की, सब बात कर रहे थे अपने यार की, सब बात कर रहे थे अपने यार की, हम भी बाथरूम का बहाना करके महफिल से उठ गए। हाय 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 हाय, क्या बात है। हाय हाय हाय, सही उठ गए, सही उठ गए। लेकिन उठे क्यों भाई? आपने बाथरूम आ रहा है भाई। भाई इसी बात पे अर्ज किया है कि खानदान से मेरे हालात नहीं मिलते, खानदान से मेरे हालात नहीं मिलते, खानदान से मेरे, खानदान से मेरे हालात नहीं मिलते, खून मिलता है ख्यालात नहीं मिलते। और मैं तो कहता हूँ मेहनत इतनी करो, करो मेहनत इतनी करो कि रिश्तेदार तावीज करवाने पे मजबूर हो जाए। और इस बात पे मैं कह रहा हूँ मेहनत इतनी करो कि खानदान वाले बच्चे गिनने पे मजबूर हो जाए। अरे अरे अरे, क्यों बोलते हो हुकूमत को इतना बुरा भला? क्यों बोलते हो हुकूमत को इतना बुरा भला? अरे ये हुकूमत तो फरिश्ता बनकर आई है मौत का। हाँ ये बात थी लेकिन मैंने शेर के स्टाइल में बोली। आप ये देखें, आप शेर, मेरे को शेर याद नहीं आ रहा था। क्या कहते हैं, आपकी कितनी बच्ची है? मेरी बहुत बच्ची है। बेटी औलाद
औलाद इनकी गर्लफ्रेंड है, मैंने आपसे कहा ना गर्लफ्रेंड, और जिस तरह की इनकी हरकत है ना, मुझे लग रहा है इनको तो जन्नत में हुरे भी भाई बोलेंगी। और एक बीवी ना बिस्तरे मर्ग पे थी, वो अपने शौहर से कहने की अच्छा फिर जन्नत में मुलाकात होगी, उसके बाद से अभी तक उसका शौहर गुनाह पे गुनाह कर रहा है। देखो बीवी पे मुझे बात याद आ रहा है, बोले बोले शौहर और बीवी का झगड़ा हो रहा है ट्रेन में, मैं बैठा हुआ सामने, शौहर बीवी का झगड़ा हो रहा है, शौहर कह रहा है बीवी से कि तुझसे शादी करके ना मेरी किस्मत फूट गई, दिल करता तुझे किसी कुत्ते के आगे डाल दूं। आपके भाई ने फौरन बाव 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 बाव। अगर आप ये ना भी करते ना फिर भी आपके आगे ही डालना था। अच्छा आप तीनों से मेरा एक सवाल है, क्योंकि बिकॉज यू थ्री पर्सन आर मैरिड, मुझे एक बात बताइए क्या ये बात सच है, कहते हैं कि पुलिस पुलिस और बीवी एक जैसी ही होती है, एक रिमांड से मारती है और दूसरी डिमांड से मारती है। और कहते हैं कि कामयाबी जो है ना प्रेगनेंसी की तरह होती है, कामयाबी प्रेगनेंसी की तरह होती है, हर कोई मुबारकबाद देता है लेकिन कोई पूछता नहीं है कितनी मुश्किलात से गुजरे हो। माँ की अजमत को सलाम। और इसी बात को मैं कवर करना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा इट्स अ वेरी सीरियस मैसेज, मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी की जंग जितनी ज्यादा सख्त होगी, जिंदगी की जंग जितनी ज्यादा सख्त होगी, फतह भी उतनी ही शानदार होगी। वाह 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 वाह। उसने उतारी साड़ी, साड़ी फिर आई पैंट की बारी। साड़ी के नीचे पैंट थी। उसने उतारी साड़ी, फिर आई पैंट की बारी। ब्लाउज तो पहले ही लिया था उतार, इतना ठरकी मत बन बरकत मेरे यार, वो था बिजली का तार। हाय 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 हाय। वो सही बात है, कहते ना शादी जो है ना बिजली के तारों की तरह है, अगर सही जुड़ जाए तो रोशनी और गलत जुड़ जाए तो जिंदगी भर झटके लगते रहते। यार ये बिजली की आपने बात की ना, यार ये लोगों के घर इतनी लाइट जा रही है, मैं तो बिजली वालों को बोलता हूँ भाई ये अपनी तारे लपेटें खोल के ले जाएं, परिंदों के बैठने के लिए अल्लाह पाक कोई और वसीला बना देगा। वाह वाह वाह। बात तो सही की है। क्यों इतनी लाइट जा रही है? आपके बच्चे कितने, आप लोगों के बच्चे कितने हैं? क्यों है? क्या करने भाई आप वैन चलाते हो? अबे यार क्या करते हो, वैन चलाते हो? वैन स्कूल की वैन। आप अजीब, आप खुद वल्गर कर रहे हो यार। मैंने कब वल्गर करी? आप कर रहे हो, आप वैन चलाते हो, कौन चला रहा है? हमारे जितने बच्चे हैं, मेरे 30 बच्चे हैं, आपको क्या? 30 बच्चे हैं? हाँ, किसके कितने भी बच्चे हैं, 4 शादियां मेरी, 12 शादियां हैं, मेरे 30 बच्चे हैं, आप क्या करोगे? वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना चाह रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये घटिया आदमी, ये एक नंबर के घटिया आदमी, इनकी गर्लफ्रेंड इनको फोन करके पूछ रही है, सुनिए मैं नया ड्रेस सिलवा रही हूँ, गला कैसा रखूं? ये क्या कर रहा है, गला ऐसा रखो जिसमें हाथ आसानी से अंदर चला जाए। पीछे से गला, ये पीछे से पकड़ते ना गले से तो यूं खींचते हैं, मैं खुद ही क्लियर करूंगा, ये खींचते यूं करके इसको पकड़ के मारते हैं, गर्लफ्रेंड को मारते ही है। यार आप इधर देखिए, आप पीछे से पकड़ते हैं, आप औरत पे हाथ उठाते? मैं औरत पे हाथ नहीं उठाता। बहुत ही बदतमीज हैं आप, इतनी वाहियात। मैं इतना आपके... इसकी गर्लफ्रेंड मुझसे कह रही है, इसकी गर्लफ्रेंड मुझसे, बरकत भाई की गर्लफ्रेंड आपसे कह रही है क्या? हाँ, कह रही है कि किसी शमशान जगह पे ले चलो। फिर लेकिन कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करना। फिर मैंने कहा ध्यान रखो, मैं तो अंदर से तबीयतन हूँ ऐसा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो एक बंदा मरने के बाद ना दोजख में पहुंच गया। दोजख में? हाँ, दोजख में पहुंचा, वहां पर उसने देखा उसको कोई जानने वाला नजर ही नहीं आ रहा, कोई दोस्त वगैरह। उसने फरिश्तों से पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं? कह रहे बेटा तेरे मरने के बाद सबने तौबा कर ली थी। आए, आए, यानी हमें तौबा कर लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए तौबा। सॉरी, देखिए दूसरे के आश्रय भी नहीं रहना चाहिए, यार ये इतना गुनाह करता मैं भी गुनाह करूंगा, तौबा कर ली आप फंस गए। इसी बात पे एक बात कहना चाहता हूँ कि उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। हाँ भाई, भाई आपको देख के एक शेर रस किया जी 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 जी। और सुर में तरन्नुम में है, वाह 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 वाह। तेरी सुला के लूं है? तेरी सुला के लूं या तुझे लिटा के लूं या करूं तुझे खड़ा, अब तू ही बता बरकत कैसे लूं मैं तेरी फोटो। अच्छा, ये फोटोग्राफर को भी बड़ा हो गया है भाई। ऐसे आपने खिंचवाई बरकत भाई? कौन कौन, कौन से पोस्ट में आपने तस्वीर खिंचवाई बताए ना? मैं तो एक ही पोस्ट में खिंचवाई है, उतार के खिंचवाई है इसने। चार बीवियां रखने से रिस्क बढ़ता है, चार बीवियां रखने से रिस्क बढ़ता है, चार गर्लफ्रेंड रखने से नहीं। मैं तो रखूंगा, तू बोला रिस्क नहीं बढ़ेगा, रिस्क नहीं बढ़ेगा भाई, वो शादी को उनसे निकाल रिस्क नहीं बढ़ेगा लेकिन स्टैमिना बढ़ेगा। यार ये किस किस्म का यार, ये क्या हो गया भाई? शेर है कि देना है दिलदान में, देना है दिलदान में, देना है दिलदान में, है कोई लड़की आपके ध्यान में? बात सुन, मैं दे दूंगा तेरी
जलने वाले जल जल के काले हो गए, जलने वाले जल जल के काले हो गए, जलने वाले जल जल के काले हो गए, उनकी बहन हमारी फैन और वो हमारे साले हो गए। मजा ले ले, ले लिया। हाँ मजा ले लिया। शेर नहीं, एक दिल की फरियाद है कि मैंने मैंने महंगे कपड़ों में घटिया लोग और सस्ते कपड़ों में महंगे लोग देखे हैं। बहुत महंगे कपड़े पहने आज उसने। मैंने महंगे कपड़ों में घटिया लोग और सस्ते कपड़ों में महंगे लोग देखे। आपको पता सबसे नाकाम कोशिश क्या होती है? क्या होती है? जब आप बाथरूम में नल खोल के दूसरी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। भाई अर्ज किया है, काश इश्क में भी इंतखाबात होते, काश इश्क में भी इंतखाबात होते, काश इश्क में भी इंतखाबात होते, गजब की धांधली करते तुम्हें पाने के लिए। देखो कैसी बात है, वो कहते ना पहले किस करो, पहले किस करो फिर पलंग पे लेटा दो, और देखो बच्चे ने सू सू तो नहीं किया। वाह अल्लाह, बहुत ही कोई वाहियात गंदी सोच के मालिक हैं आप। पलंग पर रिल्ली बिछी हुई थी। बात सुनो यार, ये कितने गंदे गंदे मुंह बना रहा है, कितने गंदे गंदे। क्या आप जो बात कर रहे हो भाई, वो जल्दी से कर दो ना। तो मैंने करी तो है, वो जल्दी से आपकी इजाजत के बगैर कभी किसी ने आपका बाजा बजाया? मेरा एक दफा बंदे ने बाजा बजाया। मैं इनकी आपको घटी हरकत बताता हूँ, इनकी गर्लफ्रेंड इनको कह रही है मैंने कभी आईफोन यूज नहीं किया, दिला दो ना, ये क्या करे, तू कभी माँ भी नहीं बनी, बना दूं क्या? अच्छा आइटम किया करो, अच्छा आइटम। ओ भैया, ओ भैया, आप इधर बात करो, आप इधर बात करो, हाँ वहाँ पे पर्सनल लड़ाई नहीं करो, डायलॉग नहीं करो। बात पता है कि ऐसे बुजुर्गों को जो है ना बच्चे स्कूल से छुट्टी लेने के लिए साल में चार दफा मारते हैं। अच्छा कमाल भाई, हम नाच रहे हैं, तुम नाच रहे हो, हम सब नाच रहे हैं, कौन सा जमाना है? कौन सा जमाना है? बेगैरती का। यार देखो सर जी भाई, आप मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक चुलिस्तान में आपको फंक्शन मिला इस दौरान, और कोई फंक्शन? यार मैंने अभी कुछ दिनों पहले ना पट्टुगी में प्रोग्राम किया था। पट्टुगी? हाँ पट्टुगी में। अच्छा हाँ, ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ आज तक कभी। ये कितनी देर का सफर है पट्टुगी? बाय कार? अगर बाय कार हो मुझे, मैं कंफर्म कह रहा हूँ आप जहाज में तो नहीं गए? मैं जहाज में नहीं गया, यकीन करें। अब तो लोग मुझे जहाज से भी ऊपर की चीज में भेजते हैं। किस टोप में डाल रहे हैं, टोप का मुंह करते शहर की तरफ घूम तो हाँ डायरेक्ट कवाल स्टेट में। कितनी देर का सफर है? और एसी वाली कोच में गए थे? एसी वाली कोच में नहीं गया था मैं, उसमें गया था जिसमें बहुत बड़ा शीशा नहीं होता, जिसमें टांग निकलती है, वो पाइचा निकला था, मंडार कोच बॉल, उसमें आया गया था मैं, तो वो भारत में चला गया भाई। अच्छा आप पतुक की गए फंक्शन करने? फिर गए स्टेज पे, हम बैठे जाके एंट्री हुई हमारी, तकरीबन 10 लाख का क्राउड पटुकी में। इतने बंदे कहां से आ गए आप नहीं पूछे? 10 लाख का क्राउड? पटुकी में 10 लाख लोग पटुकी में। ये वहीं के? अबे क्या चूंटियां मिला के बता रहा है? क्या मिला के? चूटियां चूटे मेरे प्रोग्राम सुनने। अच्छा 1 लाख क्राउड था फिर? 10 लाख क्राउड, यकीन करें 10 लाख। और मुंडिया नजर आ रही थी। देखो इंसान को वाकई में धड़ नहीं लाए थे वो? धड़ नहीं लाए थे? धड़ हो गया भड़ो मुंडिया। अच्छा 1 लाख क्राउड, खबर उड़ गई वहां पे, अफवाह उड़ गई, किसी दुश्मन ने ये खबर उड़ा दी कि स्टेज के नीचे बम है। बस सब भाग गए, सब भाग गए। मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक हमलावर भी नहीं। अच्छा सारे भाग गए? फिर हम दो बचे। कौन? मैं और बम। फिर पर आप ये बताएं सबसे पहले क्या फटा होगा? जाहिर सी बात है, वो तो आप जिंदा है तो बम ही फटा होगा। नहीं, वो फटा होगा जिसकी आवाज नहीं आई होगी। दूध? हाँ दूध फटा। तेरी माँ तो दूध की भी आवाज नहीं आती? नहीं आती ना। नहीं तो क्या फटा? अबे भाई वो ही फटा जो फटे नहीं थी। मैं तो निकला वहां से भाई सीधी। मैंने कहा इससे पहले कि बम के साथ साथ मामला हो, मैं निकला वहां से, प्रोग्राम कैंसिल। तो बम नहीं था, अफवाह थी? अफवाह ही दिखा ली। अच्छा मिलावटी की अफवाह थी, ऐसे भी दुश्मन होते हैं भाई। अच्छा कमल साहब ये बात बताए कि वो बंदा जरूर जन्नत में जाएगा जो दूर खड़े होकर कहता है बाजी गुजरने, ये कुत्ता कुछ नहीं कहेगा? फालतू की बातें करते हैं आप, यकीन करें हमारी तरफ मस्जिद में ऐलान हुआ भाई एक बच्चा मिला है, जिनका बच्चा है वो आके ले जाए। भाई 100 अफराद चले गए मस्जिद, वो कह रहे दिखाओ भाई जिनका बच्चा कैसा होता है, ये देखो कितने बेवकूफ लोग हैं, मजे मजे एंजॉय ले रहे हैं। इसी बात पर अर्ज किया है कि उठाकर फेंक आया हूं, उठाकर फेंक आया हूं बड़ी तकरार करता था, उठाकर फेंक आया हूं बड़ी तकरार करता था, उठाकर फेंक आया हूं बड़ी तकरार करता था, न जाने कौन था जो आईने के कान भरता था। वाह 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 वाह, कहां कहां से लाते हो आप ये? कि भाई मैं बहुत खुश हो गया था कि किस्मत ने मेरे साथ बुरा करना बंद कर दिया। मैं बहुत खुश होता था कि किस्मत ने मेरे साथ बुरा करना बंद कर दिया। मैं बहुत खुश हो गया था कि किस्मत ने मेरे साथ बुरा करना बंद कर दिया।
मुझे क्या पता था किस्मत डंडा लेने गई है। उसके बाद फिर बुरा हुआ, फिर क्या डंडा जाएगा तो डंडा लेने अच्छा ये बात सही है नहीं है डंडे से पिटा हूं बिना वजह। आप गंदा है, हम आपके गंदे आइटम, आपका कत्था लीक कर रहा है, ये ट्रेडमार्क है, इसको नहीं खेल रहा। अच्छा अच्छा, ये ले, ये ले टिश्यू, ले टिश्यू, ले टिश्यू, ले लो टिश्यू, ले लो टिश्यू, ले लो यार टिश्यू, ले लो टिश्यू, ले लो टिश्यू, ले लो, पता नहीं लगेगा। हां टिश्यू ले लो। हां अच्छा, ये एक सवाल किसी ने भेजा है आपके लिए कि ये बात सही है कि पैसों से आप हा हा नहीं खरीद सकते बल्कि आहा खरीद सकते हैं। हां 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 यार आहा, हां मतलब हंसी, हाँ मतलब हंसी नहीं खरीद सकते, आह आह दर्द खरीद सकते, खरीद सकते हैं। वाह वाह। और इसी बात को मैं इसी तरह घुमाना चाहूंगा कि बात कहीं और जा रही है कि वो जो महबूब की याद में जागते हैं तन्हा रात को, महबूब की याद में जागते हैं तन्हा रात को, वो जो महबूब की याद में जागते हैं तन्हा रात को, सिर्फ वही बता सकते हैं कि कौन से मोबाइल की बैटरी ज्यादा चलती है। वाह भाई वाह भाई, मोबाइल की बैटरी ज्यादा चलती है बताओ। जिनकी नजर में हम नहीं अच्छे, जिनकी नजर में हम नहीं अच्छे, समझे कुत्ते के बच्चे, जिनकी नजर में हम नहीं अच्छे, जिनकी नजर में हम नहीं अच्छे, भाड़ में जाए वो खोती के बच्चे। यार ये आपको मुंह पे नहीं कह सकता, देखो ये। अच्छा ये कवाल साहब एक बात बताएं, आप पैदाइशी कवाल हैं? सो 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 सो, सो? सो तो सो। मतलब क्या, मतलब क्या इसके बीच 100 100 200 200 नहीं, क्या चल रहा है आपका? 100 चल रहा है, 200 चल रहा है, क्या चल रहा है यार? आप समझ रहे, 100 100 इंग्लिश में कहा है, 100 अच्छा 100 100 तो फिर बीच में आपने कल्टी मारी है कहीं और? मैं पहले ना अहमद भाई, मैं पहले कैंडल डाल भी क्या करता था, कैंडल डाल मोमबत्ती वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मोमबत्ती हाथ में लेके करते थे या ऐसी जगह रखते थे? दांत खुद ही हो जाता था, मोमबत्ती सामने वाले के हाथ में होती थी, वो दांत करवाता था। हाँ हाँ, सामने वाले के हाथ में होती थी, बरकत की जेब में होती थी। देखो ये अच्छा, ये हमने कहा आपने रिपीट इसी को बोल दिया यार, ये तो गलत बात है। ये कैंडल डांस कैसे करते थे आप? मैं यूं ऐसे यूं घुमाता था कैंडल मैंडल, एक दफा सीधी हो गया तो आपने छोड़, आपने फिर वो छोड़ दिया? भाई छोड़ना पड़ा ना। क्यों? तो हुआ ये कि मैं घर गया, कपड़े मैंने चेंज किए और मैं चला गया। मुझे नहीं पता था कि मेरी रुमाली फटी हुई। अच्छा ठीक है। अच्छा। अब मैंने काम शुरू किया, मैंने जैसे ही अपनी कैंडल को, मोमबत्ती को ऐसे करके घुमाया है ना टांग के नीचे से, तो अचानक रोशनी पड़ी। हाँ। तो सामने से बंदे ने आवाज लगाई, अबे भाई मोमबत्ती का डांस दिखा रहा है, पहले अपनी मोमबत्ती तो छुपा ले। किसी बात पे अर्ज किया है कि क्या मिलेगा जानी रो कर चिल कर, क्या मिलेगा जानी रो कर चिल कर, क्या मिलेगा जानी रो कर चिल कर, माँ बहन कर देंगे जमाने की मिलकर। ये मोटिवेटेड शेर है, अर्ज करें आप भी, आपका भी आप, आपका कुछ शेर हो जाए, काफी अरसे से आए हैं। आप भी कोई शेर जरा गा के, जरा कोई गाना हो जाए। गाना सीने से दिल ये गया, नहीं वो वाला किसी का है। अच्छा ठीक है, मैं आपको सुनाता हूँ एक बड़ा अच्छा गाना, कुमार सानू का सुना रहा हूँ मैं आपको। सोचे के तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं। कुमार सानू के स्टाइल में गा दिया, अब आपका जो अपना सोचेंगे वो मेरा अलग है। अच्छा मतलब आपके पास कई गेयर है, कई गेयर है, देखे सोचे के तुम्हें प्यार करके नहीं, बड़ी तकलीफ, बड़ी तकलीफ, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, मिलके सोचेंगे तुम्हें
करके नहीं। यार ये आपने गाना गाता है ना तो फीलिंग मतलब इसके चेहरे पे ये क्या फील करके गाते हैं आप? यार मैं जब भी कोई गाना गा रहा होता हूँ ना तो मैं अपने आप को मियां खलीफा समझ रहा होता हूँ, यही कहना चाह रहे हैं। शुक्र है मियां नवाज शरीफ नहीं समझते। अरे मियां नुसरत फतेह अली खान समझ, भाई मियां नुसरत फतेह अली खान समझ के गाओ। नहीं वो बहुत बड़े आदमी थे। हाँ बहुत जगह गए थे। हाँ बहुत बड़ा। ये बात सही कि 90% खवातीन मर्दों को भाई एहतरामन नहीं एहतियातन बोलती हैं। सवाल है मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सारा सवाल? अच्छा तो कवाल साहब आप कैंडल डांस भी करते थे, कवाल आप अब बने, उससे पहले कैंडल डांस, कैंडल डांस से पहले? यार मैं ना उससे पहले भी बड़े काम किया करता था। हाँ मैंने बड़ी चीज़ों पर रिसर्च की है, बहुत डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई है। मैं डब्बू भी खेलता था। डब्बू? हाँ डब्बू। डब्बू क्या? देखो डब्बू क्या, देखो एक होता है अब्बू जिससे घर में खेलती है अम्मी है? हाँ अच्छा। और एक होता है डब्बू जिससे खेलता हूँ मैं। एक बार मैं डब्बू खेल रहा था तो अचानक एक शार्ट में दो गोटियां चली गई। अच्छा पीछे से स्ट्राइकर भी चला गया अब्बू का। अबे अब्बू का नहीं डब्बू का। अच्छा डब्बू का। अबे भाई वो छोटा उसमें स्ट्राइकर कैसे जाएगा, वो गोटी जाती है स्ट्राइकर बाहर रहता है। ये सही आया। डब्बू के सुराग होते हैं बड़े। हाँ और अब्बू के? अब्बू के भी सुराग। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं अब्बू की चप्पल। देखिए आपने दोनों में, आपने अब्बू डब्बू मिक्स किया है। आप दोनों के बारे में बताएं। अबे तेरी मैं भैन को सलाम करूं मेरी बात? अरे हाँ ये तो आपने आज पहली बार भूल गया। भूल गया था, भूल गया था। अच्छा बात पता है कि आप इसके मुंह में डंडा डाल के घर के सारे जाले आराम से साफ कर सकते हो। और आप इसके डंडा डाल के इसके सारे अंदर का गन साफ कर सकते हो। बहुत अच्छे है। ये आप दोनों का डंडा जो है ना मैं तोड़ दूंगा बता रहा। अच्छा स्ट्राइकर चला गया, फिर स्ट्राइकर चला गया, क्या हुआ? फिर मुझे अचानक एक ऑफर आ गई ऑपरेशन थिएटर से। क्या है भाई? गायनी के डॉक्टर बन जाए। बताओ क्या गायनी के डॉक्टर बन? भाई चर्स भी क्या है कवाल? चर्स? चर्स नहीं चिलम। चिलम हाँ जिसके आपने तो कव्वाली को बदनाम कर दिया। ये आप गाने गा रहे कव्वाली के नाम पे। यार अभी आपने गाना सुनाया कौन सा? कव्वाली में गाने थोड़ी होते हैं। फिर मैं तो अपने ट्रैक बनाता हूँ ना। कौन सा अपना ट्रैक? अपने ट्रैक बनाते कोई बनाए अपना। जिंदगी में तो सभी हाय 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 हाँ जिंदगी में तो सभी फ्रॉड किया करते हैं। बाबा मैं भी कुछ करके मेरी जान यहाँ से जाऊंगा बनके हुक्मरान। मैं इस मुल्क को खूब खाऊंगा। जिंदगी में तो सभी फ्रॉड किया फ्रॉड किया करते हैं। यार मैंने दीवार पे लिखा हुआ देखा कि ये हमारी इनकिसारी है कि हम एटमी ताकत होने के बावजूद भी कर्जा और भीख मांगते हैं, हालांकि हम भत्ता भी मांग सकते हैं। ये देखिए यार मैंने दिए भत्ते। हाँ, मैं बहुत भत्ते दिए। अच्छा हाँ वो कैश में नहीं दिया आपने? नहीं नहीं मैं भत्ते दिए पैसों की सूरत में। दो 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 कलाम सुना दिया उसने। अच्छा अच्छा कलाम सुना दिया मैंने भत्ता दिया फिर ही कहे कोई पेमेंट नहीं। अच्छा ये बात सही है कि जो लोग बचपन में दूध पीने से डरते थे आज वही लोग दूध पीने को तरसते हैं। आपकी बात कवर कर रहा हूँ। आपको कैसे पता? नहीं मुझे आपके मुंह सुखड़ा आपका मुंह है लेकिन जो आपकी काम की चीज है वो सुखड़ी भी नहीं है। अच्छा वो खड़ी हुई है जिस जबान से आपको जलील करना है ना वो जबान बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। नाक भी खड़ी हुई है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ सीरियस नोट बात कहना चाहता हूं। बहुत अवाहियत बात की मेरा भी जरा एक आपने टेम्परमेंट खराब कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि हंसना सीखना पड़ता है। हंसना सीखना पड़ता है। हंसना सीखना पड़ता है। रोना तो पैदाइश से ही शुरू हो जाता है। छोटे बन के रहो तो बड़ी बड़ी रहमतें मिलेंगी। बड़े होने में तो माँ भी गोद से उतार देती। तुम्हारी थी, तुम्हारी थी, मेरी थी, तुम्हारी थी, तुम्हारी हूँ, तुम्हारी ही रहूंगी। तुम्हारी थी, तुम्हारी हूँ, तुम्हारी ही रहूंगी। ऐसा मैसेज हमें पत्नी कब आएगा? वाह पहले नहीं आता ऐसा मैसेज। पहले आपको आता है ऐसा मैसेज? नहीं नहीं मुझे कब आ गया ऐसा? अब मैं आपको सुई में छोड़ के आऊंगा, वहाँ पे गैस बहुत निकलती है सुई से। नहीं यहाँ तक क्यों नहीं आती? हाँ यहाँ क्यों नहीं आती भाई? आपने बताया रात को 10 बजे बंद हो जाती है, सुबह 6 बजे आती है। गैस बंद हो जाती है। जब से गैस बंद हुई है यकीन करो यहाँ पाकिस्तान में भौहें कम मरना शुरू हो गई है, वरना पहले बहुत मरती थी। अच्छी बात है। अरे यार मेरे अभी मैं आपको दोस्त का बताऊँ, ये गैस रात को चले जाती है
वो मेरे दोस्त के घर में ना उसकी फैमिली बेचारी रात को गैस खुली छोड़ के सो गई, वो पूरी रात गैस खुली रही। अब सुबह बस जैसे ही उसकी जो बहू निकली है घर से, उसने जैसे ही चूल्हा जलाया है धमाक हो गया। नहीं नहीं वो बंद था, मेन स्विच मेन वो बंद था, वॉल मेन जगह से गैस बंद थी, तो अल्लाह का शुक्र है सही है। हाँ बच गए। तो हम यहाँ में तुमने डरा के बैठा है, मैंने वो मुंह बना लिया हैरत वाला। अबे मैं तो नहीं, मैं भी डर गया, पढ़ने वाले मैं भी कुछ यार जैसे ये था। अल्लाह का शुक्र है ठीक है, मेन स्विच बंद कर। लेकिन यार अल्लाह ताला सबको अपने आमीन आमीन। जो अचानक आती है और अचानक जाती है ना, ये बड़ा तड़पाती है, ये बात सही नहीं है।